में यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज टू बी पुल ओवर अ स्टेप ऑफ हाइट ए लेस देन आर बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ एट इट्स सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ऑन द एज ऑफ द स्टेप द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड इज. तो यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, राइट, और जिसको मतलब कि एक हाइट है जो कि ए है, उस हाइट के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि सेंटर से हो रहा है, राइट. तो यहाँ पर मिनिमम एफ फोर्स हमें फाइंड करना है. तो अब अगर इस सिस्टम को रिड्रॉ करें तो सिस्टम के हिसाब से ये फोर्स लग रहा है एफ, राइट, और यहाँ पर जो स्लांटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग उस सरफेस से उसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ ए, ये ए डिस्टेंस है इतना, और यहाँ पर फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट दैट डिस्टेंस इज एक्स, एक्स जितना डिस्टेंस है, एम जी जो कि सेंटर पे लग रहा है जो कि डाउन साइड होगा एम इंटू जी, राइट, और आफ्टर एट लास्ट सरफेस से जो लास्ट सरफेस है ग्राउंड से, और यहाँ पर जो एम जी लग रहा है मतलब कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज आर माइनस ए, तो इतना डिस्टेंस है. फिर अगर एंगल की बात करें सो दिस इज एंगल थीटा, राइट, और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. तो स्टार्ट करें तो इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होगा, तो टाउ एट पी पॉइंट, पी हमारा पॉइंट यहाँ पर है, इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होने के कारण टॉर्क ज़ीरो होगा. नाउ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज टॉर्क माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट. तो अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आर माइनस ए, राइट, आर माइनस ए, दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज आर, दिस इज थीटा, और यहाँ पर ये एक्स पॉइंट होगा, एक्स डिस्टेंस, राइट. तो उसके हिसाब से अगर एक्स फाइंड करना है तो एक्स की फॉर्मूला होगी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट आर माइनस ए होल स्क्वायर, राइट. तो उससे एक्स मिलेगा. अब फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स फॉर्मूला एम जी इंटू एक्स अपॉन आर, राइट. तो एफ इज इक्वल टू एम जी अंडर रूट वन माइनस ब्रैकेट आर माइनस ए अपॉन आर होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगी फोर्स की फॉर्मूला. तो ये जो फॉर्मूला है वो है मिनिमम फोर्स की फॉर्मूला खींचने के लिए, राइट. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है फोर्थ ऑप्शन, सो दैट इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, गैस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ 3 moles ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 moles ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, एज्यूमिंग द गैसेज टू बी आइडियल एंड द ऑक्सीजन बॉन्ड टू बी रिजिड, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर इज. तो यहाँ पर टोटल इंटरनल एनर्जी, ये फॉर्मूला एक फिक्स्ड फॉर्मूला है टोटल एनर्जी फाइंड करने की. तो एफ वन एन वन आर टी अपॉन टू प्लस एफ टू एन टू आर टी बाय टू, राइट. तो इज इक्वल टू, अब अगर बात करें 3 moles एंड 5 moles, तो 5 moles आर्गन तो 5/2 इंटू 3 RT प्लस 3 moles तो 3/2 इंटू 5 RT, राइट. तो यहाँ पर पहला ऑक्सीजन है, राइट, तो ऑक्सीजन O2, तो O2 के हिसाब से यहाँ पर 3 moles, मतलब उसके 3 moles है तो 3 RT, बट ऑक्सीजन है डायटोमिक इसीलिए यहाँ पर 5/2. आर्गन तो 5 moles है तो इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा, 5 RT, बट आर्गन मोनोएटोमिक तो इसीलिए यहाँ पर 3/2, राइट. तो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद 15/2 RT प्लस 15/2 RT मिलेगा. तो 15/2 प्लस 15/2 15 RT, तो यहाँ पर 15 RT आ रहा है. तो जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज 15,
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ स्पीड वी, एरिया ए एंड फोर्स एफ आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस विल बी. तो यंग मॉड्यूलस के डायमेंशन फाइंड करने के लिए, यंग मॉड्यूलस किन चीज़ों पर डिपेंड है पहले वो लिख लेते हैं. पहले तो फोर्स, फिर एरिया, एंड देन थर्ड वन इज स्पीड, राइट. तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए इसके पावर्स लिखते हैं. तो पावर्स में पहले एक्स, वाई एंड जेड लिखेंगे. अब लेफ्ट हैंड साइड जो यंग मॉड्यूलस का जो डायमेंशन है, रियल डायमेंशन, उसको लिखा जाए तो वो प्रेशर का डायमेंशन जितना ही है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट, इज इक्वल टू. राइट हैंड साइड पहला टर्म है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन है एम वन एल वन टी माइनस टू रेज टू एक्स, क्योंकि पावर एक्स लिखना पड़ेगा. फिर आता है एरिया, राइट, तो एरिया का डायमेंशन है एल टू रेज टू वाई. और फिर आता है स्पीड, स्पीड का डायमेंशन है एल वन टी माइनस वन रेज टू जेड, राइट. अब दोनों को कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड जो आंसर मिलेगा, एम रेज टू एक्स, एल रेज टू एक्स, टी रेज टू माइनस टू एक्स, एल रेज टू टू वाई, एल रेज टू जेड, टी रेज टू माइनस जेड. अब इसको एम रेज टू मतलब पावर्स बेस करेक्ट करें तो एम रेज टू एक्स, एल रेज टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, एंड टी रेज टू माइनस टू एक्स माइनस जेड, राइट. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करना है. अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा वन. फिर ये टर्म और माइनस वन दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट. तो उसमें वैल्यूज रख के फिर दो इक्वेशंस मिलेगी, उसको भी सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू वी विल गेट माइनस वन एंड z इज इक्वल टू ज़ीरो. तो उसके हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू f रेज टू x था मतलब के 1, फिर a रेज टू y था मतलब के माइनस वन, एंड v रेज टू z था मतलब के 0. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ अ वेलोसिटी वी ओ, व्हेन इट पासिस थ्रू द ओरिजिन इट एंटर्स अ रीजियन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ई जे हैट विच एक्सटेंड्स अप टू एक्स इज इक्वल टू डी. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजियन एक्स ग्रेटर देन डी इज. तो यहाँ पर जो एक्चुअल उसका जो ग्राफ बनने वाला है, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर मैं उसका ग्राफ रीड्रॉ करूँगा, राइट. तो ग्राफ के हिसाब से वो आगे जाके इस पॉइंट पे मिलने वाला है पी, राइट. तो हॉरिजॉन्टल और जो बाकी का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पर थीटा एंगल होगा, राइट. और फिर यहाँ पर वी ज़ीरो टेंजेंट ड्रॉ में, टेंजेंट की डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगी, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट. अब मैथमेटिकली लिखा जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वी एक्स कॉन्स्टेंट है, राइट. तो अब पी डैश डी अपॉन वी ज़ीरो इज इक्वल टू टी ज़ीरो, ये एक टाइम की फॉर्मूला है, राइट. अब वाई ज़ीरो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एक्सेलेरेशन. तो एक्सेलेरेशन की फॉर्मूला है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी ओ स्क्वेयर. वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ, राइट. अब फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो वी वाई ओ इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी ओ, राइट. तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई टी ओ अपॉन एम वी ओ, राइट. तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डी अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर. सो दैट इज टेन थीटा फॉर्मूला. तो टेन थीटा यहाँ पर हमने जो फाइंड किया वही स्लोप की फॉर्मूला होगी. तो यहाँ पर हम लोग सेम फॉर्मूला स्लोप पर लिख सकते हैं, राइट.
अब x इज ग्रेटर देन d, राइट, क्योंकि बाद में x d से भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो तब जो फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वी इज कांस्टेंट होगा तब भी, राइट। तो वी कांस्टेंट होने की वजह से ही जो नेट फोर्स हो रहा है वो ज़ीरो होगा। अब अकॉर्डिंग टू स्लोप फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। एम मतलब कि स्लोप कितना था, तो स्लोप था क्यू ई डी अपॉन एम वी ज़ीरो स्क्वेयर, राइट। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे दैट इज डी कॉमा माइनस वाई ओ। अब माइनस वाई ओ की बात करें तो माइनस वाई ओ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी ज़ीरो स्क्वेयर, राइट, इंटू डी प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू माइनस वाई ओ प्लस क्यू ई डी स्क्वेयर अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर, राइट। अब सारी वैल्यूज़ अगर मेन इक्वेशन में रखें तो क्या होगा, तो मेन इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रखने के बाद वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर इंटू एक्स, राइट, माइनस वाई ओ प्लस क्यू ई डी स्क्वेयर अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर, राइट। तो ये उसकी फुल फॉर्मूला होगी, ये कंटिन्यूस वे में है, राइट। अब उसको भी हम लोग अगर सॉल्व करें, वाई ओ को सब्जेक्ट बनाए, तो हाफ फॉर्मूला होगी हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू डी अपॉन वी ओ स्क्वेयर, राइट, इज इक्वल टू हाफ क्यू ई डी स्क्वेयर अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर, राइट। अब वाई ओ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर माइनस हाफ क्यू ई डी स्क्वेयर अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर प्लस क्यू ई डी स्क्वेयर अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर, राइट। सो ये कंप्लीट वाई ओ की फॉर्मूला हो गई। अब उसके ऊपर से वाई की फॉर्मूला, तो माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर प्लस हाफ, सॉरी, इंटू एक्स भी आएगा यहाँ पर, प्लस हाफ क्यू ई डी स्क्वेयर अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर, राइट। और एंड लास्ट में वाई की जो कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन होगा, क्यू ई डी अपॉन एम वी ओ स्क्वेयर ब्रैकेट डी बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई द एक्सप्रेशन वी एम, इट इज गिवन वोल्ट्स, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर रिस्पेक्टली। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वेव फाइंड करनी है, राइट। तो वी एम की फॉर्मूला इज गिवन, तो वी एम, अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो 5 डिजिट है उसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो वी एम ब्रैकेट 5 प्लस 3 cos 6280 टी, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, साइन 2 पाई इंटू 10^4 टी एज इट इज, राइट। तो वी मैक्सिमम की अगर बात करें तो 5 प्लस 3 8 होगा, एंड वी मिनिमम, तो यहाँ पर कॉस फंक्शन चेंज होकर अगर नेगेटिव मिला तो 5 माइनस 3, तो वहाँ पर 2 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर 8 एंड 2, तो 8 एंड 2 थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस विथ स्पीड्स ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन विथ अ स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू, राइट। तो यहाँ पर वो स्पीड फाइंड करनी है। पहले तो सिचुएशन अगर ड्रॉ कर लें, तो एक ट्रेन है, ट्रेन ए, उसमें पैसेंजर्स हैं, राइट, लाइक दिस। अब जो स्पीड है तो वो है 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसके ऑपोजिट पर्सन मूव कर रहा है, राइट, वो है, उसकी स्पीड 1.8 किलोमीटर पर आवर।
सेकेंड सिचुएशन में जो ट्रेन, जो बी ट्रेन है, उसमें 72 किलोमीटर पर आ अपोजिट ट्रेन जा रहा है, राइट। तो फिर पर्सन की मतलब के यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एम एंड बी। मतलब के जो पर्सन हो रहा है, जो ए ट्रेन के अंदर है, उस पर्सन की ऑब्जर्वेशन हमें बी ट्रेन में से लेना है। तो जो ऑब्जर्वर है वो बी ट्रेन में है, राइट। तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर वी एम जी इज इक्वल टू, अब वेक्टर वी एम जी वो एक समेशन है वेक्टर वी एम ए प्लस वेक्टर वी ए, राइट। यहाँ पर मैन और ग्राउंड की बात हो रही है, तो मैन एंड ग्राउंड, मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज मैन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रेन प्लस ट्रेन ए वेलोसिटी। सो दैट इज इक्वल टू -1.8 प्लस 36। अब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी ट्रेन तो इज इक्वल टू -1.8 प्लस 36 -72, क्योंकि 72 एंड 1.8 दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ही नेगेटिव, तो इज इक्वल टू 106.2 किलोमीटर पर आर, राइट। तो इसको मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करें तो मीटर पर सेकेंड में आंसर होगा 29.5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स एक्स एंड जेड मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव टेंशन टी एक्स एंड टी जेड इन देम, इट देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर 450 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो टी एक्स अपॉन टी जेड इज। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन दोनों का अगर रिलेशन देखा जाए तो एफ इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू, दैट मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, राइट। तो 450 अपॉन 300 इज इक्वल टू अंडर रूट टी एक्स अपॉन टी वाई। अब स्क्वेयर बोथ दी साइड्स, राइट। तो टी एक्स अपॉन टी वाई स्क्वेयर करें फिर कैंसिल करें तो आंसर होगा 9/4। 9/4 मीन्स 2.25, तो 2.25 थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 5 माइक्रो फेराडे कैपेसिटर इज चार्ज फुल्ली बाय 220 वोल्ट सप्लाई, इट देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अनदर अनचार्ज 2.5 माइक्रो फेराडे कैपेसिटर, इफ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स बाय 100 जूल, देन वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। तो पहले तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो यू आई इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻⁶ × 220² तो ये इक्वेशन है 1/2 × cv², ये कैपेसिटर की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 × cv², दिस इज कैपेसिटेंस एंड दिस इज वोल्टेज। तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला, एक फाइनल कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला है फर्स्ट वोल्टेज इंटू 5 प्लस सेकेंड वोल्टेज मतलब के आफ्टर वोल्टेज इंटू 2.5 मीन्स कैपेसिटेंस अपॉन 5 प्लस 2.5। बेसिकली ये फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला में हमने सारी वैल्यूज रख दी है। अब UF की बात करें, फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस, तो 1/2 C1 + C2 मतलब के 5 प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁶ क्योंकि माइक्रोफेराडे इंटू फाइनल वोल्टेज स्क्वायर, तो 220 इंटू 2/3 होल स्क्वायर, ये फाइनल वोल्टेज की फॉर्मूला, राइट। अब चेंज इन एनर्जीज, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, तो चेंज इन एनर्जी मिलेगा -403.33 × 10⁻⁴, राइट। अब ये फाइनल एनर्जी को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्स अपॉन 100 से, तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू -403.33 × 10⁻⁴, राइट।
तो एक्स को अब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक्स सब्जेक्ट बनेगा, तो उसके बाद जो आंसर होगा दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू -4.03, मतलब कि दिस इज़ नियरली इक्वल टू 4, तो दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, में एन एंजिन टेक्स इन 5 मोल्स ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेरिक एंड कंप्रेसिज इट एडियाबेटिकली टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, एज्यूमिंग एयर टू बी अ डायटोमिक आइडियल गैस मेड अप ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल्स, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कम्स आउट टू बी एक्स किलो जूल, द वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पहले तो यहाँ पर जो गैस दिया गया है दैट इज डायटोमिक, तो डायटोमिक के हिसाब से मोड्स ऑफ फ्रीडम दैट इज 5, सो गैमा की वैल्यू होगी 7/5 फॉर डायटोमिक, राइट। सो टी आई इज इक्वल टू टी प्लस 273, राइट, मतलब के 20 प्लस 273, 20 प्लस 273 इज 293 केल्विन। वी आई इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी, राइट, वी एफ फाइनल वॉल्यूम दैट इज वी बाई 10, मतलब 10th पार्ट है। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस टी वी रेस टू गैमा -1, ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, राइट। तो टी वन वी वन गैमा -1 इज इक्वल टू टी टू वी टू गैमा -1, राइट। तो टी वी रेस टू 7/5 -1 इज इक्वल टू टी टू वी अपॉन 10 रेस टू 7/5 -1, राइट। तो ये एक फॉर्मूला हो गई। अब टी टू को अगर सब्जेक्ट बनाए तो टी टू इज इक्वल टू टी इंटू 10^2/5, सो दैट इज टी टू। अब इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला अगर रखे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ आर टी टू -T1 अपॉन 2। अब वैल्यूज रखे तो 5 मोल इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 इंटू 25/3 दैट इज आर इंटू ब्रैकेट टी इंटू 10^2/5 -T अपॉन 2, राइट। तो इज इक्वल टू 25 इंटू 25 अपॉन 3, सॉरी 3 इंटू 2 6, टी इंटू 10^2/5 -1, सो इज इक्वल टू 625 इंटू 293 इंटू 10^2/5 -1 ब्रैकेट अपॉन 6, राइट। सो लास्ट आंसर विल बी 4.033 इंटू 10^3, दैट मीन्स 4 किलो जूल। अब इसको कंपेयर करना है एक्स किलो जूल से, तो एक्स इज इक्वल टू आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, में अ स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ए बी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल सेक्शन बी सी इज स्मूथ एंड द रिमेनिंग सेक्शन सी ए इज रफ विथ अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेज द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इफ बी सी इज इक्वल टू 2 AC द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाई म्यू इज इक्वल टू K tan थीटा। तो यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो सिचुएशन रिड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ये एंगल थीटा है, अब यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, राइट, दो ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक की जो मोशन होगी वो डाउन साइड होगी, ये सी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट। तो Mg sin थीटा यहाँ पर भी मिलेगा, ये Mg sin थीटा, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से Mg sin थीटा इंटू द ब्रैकेट AC या फिर प्लस AB, AC और AB, क्योंकि ए टू सी डिस्टेंस एंड AB डिस्टेंस टोटल, माइनस µMg cos थीटा इंटू AC, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होने के कारण, राइट। तो यहाँ पर Mg sin थीटा, अब ये जो AB है दैट इज 2 AC, तो 2 AC + AC 3 AC, सो 3 AC होगा, माइनस म्यू
एम जी, राइट, यहाँ पर कॉस थीटा ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। आफ्टर ऑल कैलकुलेशन म्यू इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3 tan थीटा। सो इसको यहाँ पर कंपेयर करें तो के इज इक्वल टू 3 आंसर होगा, सो दैट इज अवर आंसर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ सर्क्युलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड इनिशियली। इट इज रोटेटेड एट कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ कॉइल एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट अंडरगोज हाफ ऑफ रोटेशन इन 0.2 सेकेंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस इन द कॉइल विल बी क्लोज टू द इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहले तो रेडियस इज गिवन, बट 10 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 मीटर। फिर टी बाई टू मतलब के हाफ रोटेशन 0.2 सेकेंड, राइट। तो 0.2 सेकेंड, तो टी बाई टू इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड ओनली। फिर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, राइट। तो अब फॉर्मूला अगर रखे फ्लक्स का तो फाइ इज इक्वल टू बा कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला है फ्लक्स को फाइंड करने के लिए। उसके ऊपर से ई एम एफ, तो ई एम एफ की फॉर्मूला है मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी, मतलब कि डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर्मूला हो जाएगी बी ए, अब इसको और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर उसका डेरिवेशन मिलेगा बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट। अब हमें मैक्सिमम ई एम एफ फाइंड करना है, तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगी मतलब के 1, मतलब के बी ए ओमेगा सिर्फ बचेगा। अब वैल्यूज मतलब के बी ए इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 2π/T, राइट। अब वैल्यूज अगर रखे हैं तो पहली बी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, तो 3×10⁻¹ एरिया, राइट। तो पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 0.1 होल स्क्वायर, राइट, इंटू 2π/T, टी मीन्स टाइम पीरियड, दैट इज 0.4। सो आफ्टर कैलकुलेशन एट लास्ट वी विल गेट 15 माइक्रोवोल्ट। तो 15 माइक्रोवोल्ट मतलब कि हमारा जो इंटीजर वैल्यू होगा वो होगा 15, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज टू इल्यूमिनेट अ मेटेलिक सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। When the same surface is illuminated with radiation of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V/4. If the threshold wavelength for the metallic surface is n lambda, then value of n will be. तो यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला को फॉर्म कर लेते हैं। HC/λ इज इक्वल टू HC/λ0 प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV means. और सेकेंड फॉर्मूला, तो HC/ वो हो जाएगा 3λ, इट इज गिवन, सो 3λ इज इक्वल टू HC/λ0 इज इक्वल टू EV। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा V/4, तो EV/4, यहाँ पर जो साइन होगी वो प्लस होगी, तो EV/4 क्योंकि यहाँ पर V/4 है, राइट। अब जो इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन को, तो 4HC/3λ इज इक्वल टू 4HC/λ0 प्लस ईवी, राइट। अब दोनों को अगर कंपेयर करें, मतलब कि ये पहली जो इक्वेशन है उसमें ईवी को सब्जेक्ट बने, ये इक्वेशन में भी ईवी को सब्जेक्ट बनाएंगे और दोनों को कंपेयर करें, तो पहली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड HC/λ-HC/λ0 और राइट हैंड साइड 4HC/3λ-4HC/λ0, राइट, ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड HC/3λ-3λ बचेगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड -3HC/λ0 होगा, राइट। अब इसको और सॉल्व करें तो HC कैंसल, तो 9λ इज इक्वल टू λ0, राइट। तो इसको अगर कंपेयर करें इस फॉर्मूला के साथ, तो 9λ इज इक्वल टू n λ, तो n इज इक्वल टू 9, सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर।